ओके देन हेलो ट्रेडर्स प्लस इन्वेस्टर्स जितने भी लोग देख के आ रहे हैं, कोटक सिक्योरिटीज में रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताया था कि इंट्राडे जैसे हम लोग ऑप्शन बाई करते हैं तो कितना ब्रोकरेज लगता है। तो वहाँ में हम हमारे कमेंट सेक्शन में हमको मिल गए एक व्यूअर जिनको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नोट में होता है सारे चार्जेस, जितने भी चार्जेस लगते हैं सारे हमको दिखते हैं। तो भाई जितने भी लोगों को सारे चार्जेस देखने हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट ये जो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा डाउनलोड करके अच्छे से वीडियो को रख लेना, बाद में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चार्जेस लगते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारी लास्ट वीडियो को तो वहाँ में मैंने बताया था कि जो ब्रोकरेज होता है 40 रुपीज़ कोटक में 1 पैसा मतलब समझते हैं ना 0.1 पैसा लगता है, और उसमें जो 18% GST लगता है कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखते हैं। थ्योरिटिकली बहुत लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट नोट को ओपन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट जैसे आप लोग ओपन करोगे, मैंने 3 ट्रेड्स डन किए थे 10th of July एक्सपायरी को। सो ट्रेडर्स जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखने जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड में लिखा है तो मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग जूम इन करेंगे, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट 10/8/2023 मतलब 10th of August का है, ठीक है। और यहाँ में अपना जो ट्रेड डिटेल्स है ये यहाँ में NSC डेरिवेटिव का, यहाँ में सीधा हम लोग जाएंगे तो देखोगे यहाँ में 10th August को जो भी सी लिया था हम लोगों ने, पी लिया था, बाइंग सेलिंग यहाँ में हुई है, क्वांटिटी 15 थी, पहले हम लोगों ने 49 एवरेज में बाइंग की, फिर सेलिंग की 52 एवरेज में, फिर 52 एवरेज में हम लोगों ने 44,800 का सी कुछ था, ठीक है। तो 52 का एवरेज 60 में सोल आउट किया, फिर 60 में एवरेज बहुत बाइंग हुई, और फिर 75 की एवरेज में ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने सोल आउट किया। तो 3 ट्रेड्स यहाँ में डन हुए जिसके ब्रोकरेज हम लोगों को यहाँ में दिखेंगे, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ में अच्छे से देख लेना, सबसे पहला जो चार्जेस है पे आउट ऑब्लिगेशन, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 384.75। यहाँ में टैक्सेबल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ब्रोकरेज है, मैं यही चीज़ बता रहा था कि ब्रोकरेज 0.01 पैसा है, ज़ीरो नहीं है। तो 3 ट्रेड हम लोगों ने ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट डन किए थे बाइंग और सेलिंग, तो वहाँ में 0.3 पैसा लगा है। उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस सेवी फीस, यहाँ में देख सकते हो 2.66 रुपीज़। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते ही हैं, सेवी का फीस उसमें कुछ लगता है, तो यहाँ में 2.66 रुपीज़ है। टोटल ट्रेड्स की बात करते हैं हम लोग, 3 ट्रेड का जो भी ब्रोकरेज है, तो यहाँ में फिर नीचे आओगे तो GST ऑन ब्रोकरेज 18% जो कि नॉर्मल है। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो GST ऑन ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस सेवी फीस, ठीक है, तो यहाँ में 0.48 पैसा है। फिर IGST करके 18% है, 0.49 पैसा। फिर लास्ट में जो है स्टेट ट्रांजैक्शन चार्जेस STT, यहाँ में 2 रुपीज़ का हम लोगों को गया है। तो टोटल 3 ट्रेड का हम लोग हिसाब करें तो 6 रुपीज़ के आसपास गया है टोटल 3 ट्रेड्स में ब्रोकरेज, बहुत ही कम ना के बराबर। तो यही था अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट।